أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. वेब डिजाइनिंग के चौथे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि HTML एलिमेंट के बारे में और HTML एट्रीब्यूट। आखिर HTML एलिमेंट और HTML एट्रीब्यूट है क्या चीज़, सही है? HTML हमें क्या करता है यूजुअली, HTML हमारे साथ क्या चीज़ है? एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, सही है? इसका क्या मतलब है? मतलब ये इसका यह है कि HTML के जो हम टैग डिफाइन करते हैं, इसका ओपनिंग टैग और इसके क्लोजिंग टैग में जो भी डाटा, जो भी कंटेंट हमें आता है, आ जाती है इस फुल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? HTML। मतलब इसमें क्या आ जाती है? HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग, प्लस इसमें जो कंटेंट हमारे साथ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? HTML एलिमेंट, सही है? जिस सब मेरे साथ अभी हम कह सकते हैं कि ये एक HTML एलिमेंट है मेरे साथ, सही है? ठीक है, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग। देखिए HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग, वो सब कुछ है। फ्रॉम द स्टार्ट टैग, जो हमारे साथ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट टैग से, टू द एंड टैग, मतलब एवरीथिंग है फ्रॉम स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ये मेरे साथ क्या है? HTML एलिमेंट, सही है? फिर HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। अभी एम्प्टी एलिमेंट क्या है हम यहाँ पर लेते हैं, वो HTML एलिमेंट जिस उसे हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं जिसमें कोई भी डाटा, कोई भी कंटेंट ना हो। तो ये क्या हो सकता है? एग्जाम में सवाल आ जाते हैं कि यार इस तरह भी कोई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह हमारे साथ BR टैग है, इसकी खाली ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं है, सही है? ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है, और इसके साथ हम कंटेंट भी नहीं, क्योंकि BR हम किस के लिए यूज़ करते हैं? BR टैग लाइन ब्रेक के लिए, तो इसमें कोई कंटेंट हम नहीं डालते, सही? तो हम इसे क्या कहते हैं? एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं, सही है? इसका HR टैग है, वो भी मेरे साथ क्या है? एम्प्टी एलिमेंट है, सही है? फिर हम आते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट क्या करता है? HTML एट्रीब्यूट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट व्हाट? अबाउट एन एलिमेंट। अब हमने इससे पहले एलिमेंट के बारे में यही सीखा है कि HTML एलिमेंट वो चीज़ है जो एवरीथिंग जो हमारे साथ HTML के स्टार्ट टैग से लेकर HTML के क्लोजिंग टैग तक जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे साथ एज HTML एलिमेंट आती है। तभी क्या मेरे साथ ये जो है एक HTML एलिमेंट है, सही है? हम सीखेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकली भी करेंगे ताकि हम सही तरीके से समझ जाए, सही है? फिर HTML एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल, इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि एट्रीब्यूट क्या करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे एलिमेंट का, अबाउट एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में हमें क्या करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द वैल्यू ऑफ द टाइटल, जो वैल्यू हम इस टाइटल में देते हैं, हम वैल्यू किस तरह देंगे, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? पी टैग है, उसमें हम एट्रीब्यूट देते हैं टाइटल, जिससे हम किस तरह वैल्यू देंगे, उसके सेंटेंस है कि टाइटल टैग होगा, फिर इक्वल, फिर ये जो हमने ये कोड लगा देंगे, फिर इसमें हम ये वैल्यू दे देते हैं, सही है? ये वैल्यू, तो ये क्या हो गया हमारे साथ? एट्रीब्यूट की वैल्यू। अभी क्या है मेरे साथ? दिस इज टाइटल एट्रीब्यूट, सही? ये इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है? ये टाइटल की, सही है? और टाइटल क्या भी है मेरे साथ? एट्रीब्यूट है। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड, टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू हमारे साथ डिस्प्ले होगी बाद कौन सी फॉर्म में? एज ए टूल टिप फॉर्म में, सही है? जब हम माउस ओवर करेंगे वेब ब्राउज़र में, हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं अगर उसके ऊपर मैं माउस ओवर कर देता तो एक टूल टिप मेरे साथ नज़र आ जाएगी, सही है? अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह होता है, सही है? पहले मैं सेव कर देता हूँ लेक्चर 4, मेरे साथ ऑलरेडी सेव है लेक्चर 4.html, सही है? तो ये मैं हटा देता हूँ। हम फिर से करते हैं, जिस तरह का मैं कहता हूँ हेडिंग 1 टैग अगर मैं बना देता क्या होगा मेरे साथ? लेस देन H1 ग्रेटर देन, सही है? इसके दरमियान मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, जो भी लिख देता फिलहाल मैं हेडिंग 1 लेता हूँ, सही है? हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग, सही है? ये क्या है मेरे साथ? HTML एलिमेंट है, सही है? H1 खाली मेरे साथ टैग है, लेकिन एलिमेंट ये कब बन जाता है? क्योंकि एलिमेंट वो तब बन जाता है जब इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम डिफाइन करते हैं, इसमें हम कंटेंट डिफाइन करते हैं, फिर क्या हो जाता है? हमारे साथ एक एलिमेंट बन जाता है, सही है?
फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट देते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट मैं देना चाहता हूँ, टाइटल, टी आई टी एल ई टाइटल, ये मेरा सा एट्रीब्यूट। इस हम वैल्यू किस तरह देंगे, इक्वल, फिर हम इसमें इसके अंदर हम लिखेंगे, सही है, क्या मैं देता हूँ सिंपल एच वन में देता हूँ, सही है, एच वन। तो ये भी क्या डिफाइन करें, अगर आप एट्रीब्यूट के बारे में हमने पढ़ा है कि एट्रीब्यूट क्या करता है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अबाउट क्या, अबाउट एलिमेंट, सही है। अभी मेरे साथ हेडिंग क्या है, एक एलिमेंट, सही है। इसे मैं ब्राउज़र में देखता हूँ, जो ही मैं हेडिंग वन पर माउस और कहीं एक टूल टिप मेरे साथ नज़र आ जाएगी, सही है। ये आप देख रहे एच वन जो मेरे साथ टूल टिप में आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इस एट्रीब्यूट, कौन से एट्रीब्यूट, जो टाइटल एट्रीब्यूट हमने बनाया हुआ है, सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।